इमरान खान की क्यों हुई गिरफ्तारी, क्या है इमरान खान पर आरोप, आइए देखते हैं अंदर की बात में। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर से पाकिस्तानी रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद पुलिस ने कहा कि राजधानी शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान गिरफ्तार हो गए हैं। इमरान को पाक रेंजर्स ने कोर्ट रूम से ही गिरफ्तार किया है। इमरान की गिरफ्तारी ऐसे वक्त पर हुई जब हाल ही में उन्होंने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के अधिकारी मेजर जनरल फैजल नसीर पर गंभीर आरोप लगाए थे। इमरान ने आरोप लगाया था कि मेजर जनरल फैजल नसीर उनकी हत्या कराने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान के इस बयान के लिए पाकिस्तानी सेना ने उन्हें फटकार भी लगाई थी। इमरान खान की पार्टी PTI की नेता मुसर्रत चीमा ने ट्वीट कर दावा किया कि वे लोग इमरान खान को टॉर्चर कर रहे हैं, वे इमरान खान को पीट रहे हैं। PTI ने जो वीडियो ट्वीट किया है उसमें इमरान खान के वकील जख्मी दिख रहे हैं। इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट के केस में गिरफ्तार किया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने इमरान खान की गिरफ्तारी पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के नियमों का उल्लंघन हुआ है। इमरान खान के वकील के साथ भी मारपीट की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। प्रशांत किशोर ने जन सुराज पद यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा। वे बोले, मैं जनता को खुली चुनौती देता हूं कि 9 सालों में मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए एक भी बैठक अगर की हो और आप में से कोई इसका प्रमाण मुझे दिखा दे तो मैं कल से ही मोदी का झंडा धोने के लिए तैयार हूं। क्यों कहा प्रशांत किशोर ने ऐसा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार में इन दिनों जन सुराज पद यात्रा निकाल रहे प्रशांत किशोर को 219 दिन हो गए हैं। ऐसे में वैशाली जिले में प्रशांत किशोर ने ग्रामीणों की समस्याओं को समझकर उसका संकलन कर उसके समाधान के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने की बात कही है। जन सुराज पदयात्रा के दौरान वैशाली में प्रशांत किशोर ने एक आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 में मोदी जी का प्रचार मैं ही कर रहा था। बिहार में घर घर से हम लोगों ने मोदी जी को वोट दिया था। आज जो भी इस सभा में मोदी समर्थक मौजूद है उनको बता दे रहे हैं कि मोदी जी 9 साल से प्रधानमंत्री है। उनके प्रधानमंत्री बनने से बिहार का फायदा हुआ है या नहीं ये छोड़ दीजिए, मोदी जी के आने से बिहार में फैक्ट्री और रोजगार आया है कि नहीं वह बात भी छोड़ देते हैं। आपको खुली चुनौती दे रहे हैं कि मोदी जी 9 साल से प्रधानमंत्री है, 9 सालों में मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए एक भी बैठक अगर की हो और आप में से कोई इसका प्रमाण मुझे दिखा दे तो मैं कल से ही मोदी का झंडा ढोने के लिए तैयार हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के साथ ही पंजाब, यूपी, ओडिशा और मेघालय में भी सियासी सरगर्मी तेज है। इन 4 राज्यों में रिक्त हुई सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसको लेकर सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। बात करें यूपी की 2 सीटों की तो यहां सपा और अपना दल के बीच सीधी लड़ाई मानी जा रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के साथ साथ देश के 4 राज्यों में उपचुनाव भी हो रहे हैं। इसमें पंजाब की जालंधर लोकसभा सीट, यूपी की स्वार टांडा विधानसभा 96 विधानसभा सीट, ओडिशा में झारसुगड़ा और मेघालय की सोहियोग विधानसभा सीट पर 10 मई को वोटिंग होगी। पंजाब में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, अकाली दल और BJP के बीच मुकाबला माना जा रहा है। वहीं यूपी की दोनों विधानसभा सीट पर सपा और अपना दल के बीच सीधी लड़ाई है। इसी तरह से ओडिशा के मेघालय में भी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। कांग्रेस के संतोष सिंह चौधरी के निधन के बाद जालंधर लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इसमें कांग्रेस ने संतोष चौधरी की पत्नी करमजीत कौर को मैदान में उतारा है तो BJP ने इंदर इकबाल सिंह अठवाल, आम आदमी पार्टी ने पूर्व विधायक सुशील कुमार रिंकू और शिरोमणि अकाली दल से मौजूदा विधायक डॉक्टर सुखविंदर सिंह सुखी किस्मत आजमा रहे हैं। इसी तरह से चारों ही कैंडिडेट पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में देखना है कि जालंधर लोकसभा सीट पर कौन उपचुनाव जीतता है। यूपी के रामपुर जिले की स्वार टांडा, मिर्जापुर की 96 विधानसभा सीट पर सपा और अपना दल के बीच सीधी लड़ाई मानी जा रही है। स्वार टांडा विधानसभा सीट पर उपचुनाव सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द होने की वजह से हो रहा है,
जबकि 96 विधानसभा सीट अपना दल के विधायक राहुल कौल के निधन की वजह से रिक्त हुई। स्वर टांडा सीट पर 6 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होगा। इसमें अपना दल से शरीफ अहमद अंसारी, सामाजिक पार्टी से अनुराधा चौहान, पीस पार्टी से डॉक्टर नाजिया सिद्दीकी और 3 निर्दलीय भी चुनाव मैदान में हैं। इसी तरह 96 विधानसभा सीट पर अपना दल ने दिवंगत विधायक की पत्नी रिंकी कौल को उम्मीदवार बनाया है। उसके सामने सपा ने पिंकी कौल को मैदान में उतारा है। यूपी में भविष्य का सियासी रुख और समीकरण तय करने में उपचुनावों के नतीजे अहम भूमिका निभाएंगे। स्वार और छानबे का उपचुनाव इसी कसौटी पर कसा जाएगा। ऐसे में दोनों ही दलों की साख दांव पर लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। पार्टी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने अपनी बेटी और सांसद सुप्रिया सुले के पार्टी की बागडोर संभालने की संभावना से इनकार कर दिया है। पंडरपुर में मीडिया से बात करते हुए पवार ने स्पष्ट किया है कि सुप्रिया सुले पार्टी अध्यक्ष पद संभालने की इच्छुक नहीं है, क्योंकि वह आगामी लोकसभा चुनावों पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है और इसके लिए अब केवल 1 साल का समय बचा है। लगातार ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि शरद पवार के इस्तीफे के बाद सुप्रिया सुले एनसीपी की बागडोर संभाल सकती है। हालांकि सुले फिलहाल अपने निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा किसी अन्य जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं करना चाहती थी। अब पवार ने पहली बार ऐसी अटकलों पर विराम लगा दिया है। साथ ही पवार से जब संसद में सुप्रिया सुले के प्रदर्शन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने लगातार 7 बार उत्कृष्ट सांसद चुने जाने पर अपनी बेटी की प्रशंसा की। सुप्रिया को 8वीं बार फिर इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। सुप्रिया सुले महाराष्ट्र के बारामती निर्वाचन क्षेत्र से 3री बार सांसद है। पिछले 3 चुनाव से लगातार उनकी जीत का मार्जिन बढ़ता जा रहा है और वह लगातार वोटों की संख्या बढ़ाने में सफल रही है, लेकिन प्रतिशत में देखें तो वोट शेयर में उतार चढ़ाव नजर आया। सुले ने 2009 में 4,87,000 वोट पाकर 66% वोट हासिल किए थे, जबकि 2014 में वह 5,21,000 वोटों के साथ 48% मत हासिल कर पाई थी। 2019 के चुनाव में सुले ने अपनी 6,00,000 मतों के साथ 52% मत हासिल किए। सुप्रिया सुले को कड़ी चुनौती देने के लिए बीजेपी बारामती पर ज्यादा फोकस कर रही है। भाजपा के सूत्रों के अनुसार पार्टी पवार परिवार के घर में उसी तरह पैर जमाने की कोशिश कर रही है जैसा कि उसने 2019 के चुनाव में राहुल गांधी को हराकर अमेठी में किया था। इस बार केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण को महाराष्ट्र में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की महत्वाकांक्षी 45 प्लस योजना के एक हिस्से तहत बारामती लोकसभा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने का विशेष जिम्मा सौंपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। की सियासत की बात करें तो इस्तीफे के ऐलान के बाद शरद पवार की वापसी ने महाराष्ट्र की सियासत को और दिलचस्प कर दिया है। आने वाले चुनावों में शरद पवार बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं। महाराष्ट्र में शरद पवार के चक्रव्यूह में फंसी बीजेपी जाने किन मोर्चों पर खड़ी करेंगे चुनौती। स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में, आइए देखते हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी चीफ शरद पवार के फिर से पार्टी की कमान संभालने के बाद सबसे ज्यादा हलचल बीजेपी में मानी जा रही है। राजनीति के शातिर खिलाड़ी पवार के इस दाव से बीजेपी के उन मंसूबों पर पानी फिरता दिख रहा है जिनसे वो आने वाले चुनावों में शह और मात का खेल खेलना चाहती थी। एक वक्त पर लग रहा था कि एनसीपी में भी 2 फाड़ हो सकते हैं और शरद पवार की मेहनत से सींची हुई इस पार्टी का भी वही हाल हो सकता है जो शिवसेना का हुआ, लेकिन शरद पवार की आखिरी चाल का किसी को भी अंदाजा नहीं था। अब एनसीपी अध्यक्ष के तौर पर शरद पवार की वापसी का बीजेपी को कितना बड़ा नुकसान हुआ है, इस बात पर बात करते हैं। दरअसल बीजेपी की कोशिश थी कि वो किसी तरह चुनाव से पहले या तो पूरी एनसीपी को अपने साथ ले या फिर अजीत पवार के सहारे पार्टी के आधे विधायकों को अपने पाले में शामिल करें। ऐसा करने पर आने वाले चुनाव बीजेपी के लिए केकवॉक की तरह होते, क्योंकि शिवसेना में पहले ही 2 फाड़ हो चुकी है जिसका वोट बैंक चुनावों में या तो पूरी तरह बढ़ जाएगा या फिर बीजेपी के साथ शिफ्ट होगा। वहीं अगर एनसीपी भी रास्ते से हट जाती है तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत लगभग तय थी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। हुई हिंसा के बाद सोमवार को सुबह कुछ घंटों के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई। इम्फाल में लोग सामान की खरीदी के लिए अपने घरों से निकले। हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई हैरानी। जनजाति के लिस्ट को लेकर पूछा, कैसे दे सकते हैं आदेश, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मणिपुर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान शीर्ष कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई है कि हाईकोर्ट किसी समुदाय को जनजाति की लिस्ट में शामिल करने का आदेश कैसे दे सकता है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 17 मई को होगी।
चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने हालात सामान्य करने के लिए सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदमों को रिकॉर्ड पर लिया। साथ ही हिंसा के दौरान विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का आदेश भी दिया है। राहत शिविरों में रह रहे लोगों की सुविधा और मेडिकल सहायता देने का निर्देश भी दिया गया। वहीं मणिपुर सरकार ने बताया कि इस बारे में उचित कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने यह भी बताया कि पर्याप्त सुरक्षा बल की तैनाती हो गई है, हालात सामान्य हो रहे हैं। आज कर्फ्यू में कुछ घंटे की ढील दी गई। गौरतलब है कि मणिपुर में बहुसंख्यक मैथी समुदाय द्वारा उसे अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग के विरोध में तोरबंग क्षेत्र में हिंसा भड़क गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। मध्य प्रदेश के बाद अब यूपी में भी फिल्म द केरल स्टोरी को टैक्स फ्री कर दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस फिल्म को टैक्स फ्री करने का निर्देश दिए हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 6 मई को कहा था कि द केरल स्टोरी आतंकवाद की भयावह सच्चाई को उजागर करने वाली फिल्म है, इसे मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के बाद अब यूपी में भी फिल्म द केरल स्टोरी को टैक्स फ्री कर दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस फिल्म को टैक्स फ्री करने के निर्देश दे दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ 12 मई को लोक भवन के अपनी कैबिनेट के साथ द केरला स्टोरी फिल्म देखेंगे। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि बहुत दुखद है, बंगाल में बैन किया गया है, सबको देखना चाहिए, हम टैक्स फ्री कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल तुष्टिकरण की राजनीति न करे। फिल्म द केरल स्टोरी के ट्रेलर में यह दावा किया गया था कि केरल की 32,000 लड़कियां ऐसी घटना की शिकार हो चुकी है। यहां से विवाद की शुरुआत हुई थी। केरल के हाईकोर्ट में फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करते हुए कई याचिकाएं भी दायर की गई, लेकिन कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। रिलीज के बाद भी फिल्म विवादों से दूर नहीं हो पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। द केरल स्टोरी लगातार चर्चाओं, विवादों और खबरों का हिस्सा बनी हुई है। फिल्म में किए गए दावों को लेकर काफी कंट्रोवर्सी चल रही है। बंगाल में तो इसे बैन भी कर दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ केरल की अपनी कहानी पर बनी फिल्म 2018 सबको दिल जीत रही है। इसे लोग रियल केरल स्टोरी भी बोल रहे हैं। अदा शर्मा की फिल्म द केरल स्टोरी थिएटर्स में जबरदस्त कमाई कर रही है। बड़ी स्टार कास्ट और बड़े बजट के बिना बनी इस फिल्म ने 3 दिन में ही 35 करोड़ रुपए का कलेक्शन करके सभी को सरप्राइज कर दिया है। द केरल स्टोरी थिएटर्स में भी भीड़ तो जुटा रही है, मगर इसकी कहानी और फिल्म में किए गए दावों को लेकर लगातार विवाद भी हो रहा है। जबकि दूसरी ओर केरल की एक दूसरी ही कहानी को जनता एकजुट होकर थिएटर्स प्यार दे रही है। इस कहानी को दिखाते हैं फिल्म 2018 अगस्त 2018 में केरल में आई बाढ़ की तस्वीरें देखकर पूरा देश हिल गया था। इसे केरल में पिछले 100 साल में आई सबसे भयानक बाढ़ भी बताया जाता है। 483 लोगों की जान लेने वाले इस आपदा को याद करते हुए आज भी केरल के लोग सिहर जाते हैं। बीते शुक्रवार थिएटर्स में रिलीज हुई 2018 इसी आपदा की कहानी है। फिल्म के टैगलाइन है, हर आदमी हीरो है। 2018 थिएटर्स में जनता का दिल और बॉक्स ऑफिस का मैदान तो जीत ही रही है, मगर अब इस फिल्म के मेकर्स ने एक ऐसी अनाउंसमेंट की है कि जो अपने लोगों के लिए उनका प्यार दिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। द केरल स्टोरी थिएटर्स में शानदार कमाई कर रही है। 3 ही दिन में फिल्म ने ऐसा कलेक्शन किया कि इसके लिए 100 करोड़ का आंकड़ा बहुत दूर नहीं रहा। पिछले 10 साल में कहानी उरी, द कश्मीर फाइल्स जैसी कई लिमिटेड बजट वाली फिल्म्स ने जोरदार कमाई की है। आइए बताते हैं इन फिल्म्स के बारे में। अदा शर्मा की फिल्म द केरल स्टोरी थिएटर्स में शानदार कमाई कर रही है। 3 ही दिन में फिल्म ने ऐसा कलेक्शन किया है कि इसके लिए 100 करोड़ का आंकड़ा बहुत दूर नहीं रहा। पिछले 10 साल में कहानी उरी, द कश्मीर फाइल्स जैसी कई लिमिटेड बजट वाली फिल्मों ने जोरदार कमाई की है। आइए बताते हैं इन फिल्मों के बारे में। फिल्म कहानी इंडिया की सबसे दमदार एक्ट्रेसेस में गिनी जाने वाली विद्या बालन इस सस्पेंस थ्रिलर की स्टार थी। जहां इंडिया में फिल्म का नेट कलेक्शन 51 करोड़ से ज्यादा रहा, वहीं इसका ग्रोस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 104 करोड़ से ज्यादा था। फिल्म आशिकी 2, आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर स्टारर इस आइकॉनिक लव स्टोरी का बजट 15 से 20 करोड़ रूपए बताया जाता है। वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन 109 करोड़ रुपए से ज्यादा था, जबकि इंडिया में फिल्म का नेट कलेक्शन 78.42 करोड़ रुपए रहा।
रिपोर्ट्स बताती है कि एक विलन फिल्म 39 करोड़ के बजट में बने इस फिल्म ने इंडिया में 105 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया था। फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 153 करोड़ था। तनु वेड्स मनु रिटर्न्स फिल्म 39 करोड़ रुपए के बजट में बने इस फिल्म ने इंडिया में 150 करोड़ से ज्यादा और वर्ल्ड वाइड 250 करोड़ से ज्यादा ग्रॉस कलेक्शन किया था। पिंक फिल्म में अमिताभ बच्चन का स्पेशल रोल था, लेकिन 29 करोड़ के बजट में बने इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 108 करोड़ कमाने की उम्मीद तो किसी को भी नहीं थी। इंडिया में फिल्म का नेट कलेक्शन 65 करोड़ रुपए से ज्यादा हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट। केरल स्टोरी इस समय खूब चर्चा में है। इस फिल्म के विरोध के बीच पीएम मोदी ने फिल्म की तारीफ की और कांग्रेस पर निशाना साधा। ऐसा पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी ने फिल्म का जिक्र किया हो। कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को बेलारी में प्रचार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्म द केरल स्टोरी का जिक्र किया। फिल्म की कहानी चार लड़कियों पर आधारित है। फिल्म में ये लड़कियां इस्लाम धर्म अपना कर इस्लामिक स्टेट की सदस्य बन जाती है। ऐसा पहली बार नहीं जब बीजेपी या पीएम मोदी ने किसी फिल्म का समर्थन किया है। अतीत में कई विवादित फिल्मों के नामों का जिक्र बीजेपी और पीएम मोदी ने किया है। इन फिल्मों को टैक्स में छूट या सोशल मीडिया पर बयानों के जरिए बीजेपी का समर्थन मिला है। आइए इन फिल्मों पर एक नजर डालते हैं। 29 मई 2022 को नवासी में मन की बात संबोधन में पीएम मोदी ने रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम के बारे में बात की। 1993 में रिलीज हुई यह पहली एनिमेशन फिल्म थी। मार्च 2022 में चार राज्यों में विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद बीजेपी सांसदों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कश्मीरी पंडितों पर हमलों और 1990 के दशक में घाटी से उनके पलायन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स का जिक्र किया था। फिल्म को 6 बीजेपी शासित राज्यों में टैक्स फ्री कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। कैनन मोहन की मुश्किलें बढ़ेंगी क्योंकि उनकी रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब मांगा है। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से रिपोर्ट पेश करने को कहा है। बाहुबली नेता आनंद मोहन सिंह की रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब मांगा है। दिवंगत आईएएस जी कृष्णया की पत्नी उमा कृष्णया की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने बिहार सरकार से रिकॉर्ड पेश करने का कहा है। कोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार और आनंद मोहन को भी नोटिस जारी किया है, साथ ही दो हफ्ते में अगली सुनवाई की बात कही है। उमा कृष्णया ने अपनी याचिका में बिहार सरकार का आदेश रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि मौत की सजा को अब उम्र कैद में बदला जाता है, तब दोषी को आजीवन जेल में रखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे फैसले दे चुका है, लेकिन इस मामले में दोषी को रिहा कर दिया गया। याचिका में यह भी कहा गया है कि 10 अप्रैल को सिर्फ राजनीतिक कारणों से बिहार सरकार ने जेल नियमावली के नियम 481(1)(a) को बदल दिया। याचिका में बताया गया है कि 2012 में बिहार सरकार की तरफ से बनाई गई जेल नियमावली में सरकार की कर्मचारी की हत्या को जघन्य अपराध कहा गया था। इस अपराध में उम्र कैद पाने वाले को 20 साल से पहले किसी तरह की छूट न देने का प्रावधान था, लेकिन पिछले महीने राज्य सरकार ने जेल नियमावली में बदलाव कर सरकारी कर्मचारी की हत्या को सामान्य हत्या की श्रेणी में रख दिया गया। इससे आनंद मोहन के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया। गोपालगंज के तत्कालीन जिला अधिकारी जी कृष्णया की 1994 में मुजफ्फरपुर के खोबरा में हत्या हो गई थी। 2007 में निचली अदालत ने इस मामले में आनंद मोहन को फांसी की सजा सुनाई थी। बाद में पटना हाई कोर्ट ने इसे आजीवन कारावास में बदल दिया था, लेकिन 27 अप्रैल को उन्हें 14 साल जेल में बिताने के आधार पर रिहा कर दिया गया। मध्य प्रदेश के खरगोन में बड़ा सड़क हादसा हुआ। खरगोन में एक बस पुल से नीचे गिर गई। इस हादसे में 15 लोगों की मौत हुई है जबकि 25 लोग घायल हुए हैं। राज्य सरकार ने मृतकों के परिवारजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश के खरगोन में बड़ा हादसा हुआ है। इंदौर की ओर जा रही एक प्राइवेट बस हथिनी नदी पर बने पुल से नीचे गिर गई। खरगोन से करीब 40 किलोमीटर दूर दरभंगा में हुए इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है जबकि करीब 25 लोग घायल हुए हैं। राज्य सरकार ने हादसे में घायल लोगों के मुफ्त इलाज के साथ मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजों का भी ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने खरगोन बस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान कर दिया है। सरकार ने इस हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है।
इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को 50,000 और अन्य घायलों को भी 25,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। पुलिस और एम्बुलेंस के मौके पर पहुंचने से पहले ग्रामीणों ने कई घायलों को ट्रैक्टर ट्रॉली से नजदीकी अस्पताल भेजकर इलाज करवाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट। दुनिया में कहीं भी जंग होती है तो उससे बड़े पैमाने पर तबाही आती है। हजारों लोगों की मौत हो जाती है और लाखों लोग बेघर हो जाते हैं। दूसरी ओर गिने चुने लोगों को फायदा होता है। इराक से यूक्रेन तक तेल का खेल जंग की जीत रही है सिर्फ ये चंद कंपनियां। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का दंश पूरी दुनिया रिकॉर्ड महंगाई के रूप में चुका रही है। पिछले साल फरवरी से चल रहा यह युद्ध अभी भी किसी निर्णायक नतीजे पर नहीं पहुंचा है। न तो रूस को विजेता कहा जा सकता है, न ही यह दावा किया जा सकता है कि यूक्रेन ने जंग जीत ली है। हालांकि तबाही और हाहाकार के इस चौतरफा मंजर में कुछ गिने चुने लोग हैं जिन्हें भरपूर फायदा हो रहा है। हम जिन कंपनियों की बात कर रहे हैं उनकी लिस्ट बहुत लंबी नहीं है। उनके नाम है शेवरॉन, एक्सानोमोबिल, शेल, बीपी और टोटल एनर्जीज, जिन्हें आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। यानी पिछला साल लगभग पूरा जंग की चपेट में रहा और सिर्फ 2022 में इन पांच तेल कंपनियों ने $195 बिलियन का भारी भरकम मुनाफा कमा लिया। मुनाफे का यह आंकड़ा साल भर पहले यानी 2021 की तुलना में करीब 120% ज्यादा है। इतना ही नहीं बल्कि यह तेल एवं गैस उद्योग के लिए इतिहास का सबसे मोटा मुनाफा है।